क्या स्वरूप है? देखिए, धरना प्रदर्शन का आंदोलन का स्वरूप होगा, जंतर मंतर पर आएंगे, जितने भी अम्बेडकरी समाज के कार्यकर्ता है, दलित समाज के कार्यकर्ता है, मानवतावादी समाज के कार्यकर्ता है, उनको हमने निमंत्रण किया है कि जो दमन की राजनीति इस देश में शुरुआत है, बॉम्बिंग ऑपरेशन की राजनीति शुरुआत है, कार्यकर्ताओं को बुलाकर धमकाने की राजनीति चल रही है, और चंद्रशेखर आज़ाद को हाईकोर्ट ने रिलीज करने के बाद भी रासुका के अंदर जो अरेस्ट किया गया वो एक डेमोन्स्ट्रेटिव है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों की भी हालत हम लोग चंद्रशेखर जैसे बनाएंगे, ये एक उनकी पूरी साजिश है, और उस साजिश के खिलाफ लोगों ने डरना नहीं चाहिए, हिम्मत से लड़ना चाहिए, और 2018 को एक मौका आ रहा है इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन का, तो उस मौके तक इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं खोना चाहिए, यही उद्देश्य हम लोग ने धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है। सर, आपने एक इंटरव्यू में कहा कि NCP विल सीज टू एग्जिस्ट आफ्टर 2019, और वहाँ वो कांग्रेस के साथ एक तरफ गठबंधन चाह रहे हैं, और शिवसेना ने कहा है कि वो भाजपा से अलग होकर लड़ेगी, तो क्या महाराष्ट्र की राजनीति में आपको कुछ नए समीकरण नज़र आ रहे हैं? देखिए, मैं मुझे पूरे नए समीकरण दिखाई दे रहे हैं, वो नए समीकरण बाहर आ रहे हैं और वो शेप भी ले रहे हैं। जहाँ तक मैंने NCP की बात कही थी, हम लोग ने बीच में मिलिंद एकोटे और संभाजी भिड़े, ये जो दो हथियार यहाँ के आतंकवादी संगठनों के जो हथियार है और उनकी इस्तेमाल किया जाता है, उनको सामने लिया है, इनको बचाने का काम किसी ने किया होगा तो NCP ने उस वक्त किया था। पुलिस ने जब कहा कि भैया इनकी कार्रवाई जो है सिर के ऊपर से जा रही है, ये हिंदू मुसलमान के दंगे जितने हुए पूना डिस्ट्रिक्ट में है उसके यही जिम्मेदार है, और इनको MPDA के नीचे अरेस्ट होना चाहिए, पूरी पुलिस मशीनरी ने पूरी केस बनाने के बाद उसको मिनिस्ट्री ने भी हाँ किया और उसको रोका होगा, तो NCP ने उसको रोका है। तो ये जो है दोगली राजनीति की बात है, सत्ता में रहते हुए हिंदुओं मतलब हिंदू संगठन जो आतंकवादी संगठन है उनके साथ में उठ बैठक करना, उनको बचाना, और सत्ता जाने के बाद हम लोग सेक्युलर है ऐसी पॉलिटिकल लाइन लेना, ये जो दोगली राजनीति है, उस दोगली राजनीति का जो परिणाम है वो परिणाम NCP को दिखाई देगा। उस इसलिए हमने कहा कि 2019 के बाद के जो इलेक्शन होंगे उसमें जो नई समीकरण होंगे, उस नई समीकरण में NCP का कोई रोल नहीं। सर, कोरेगांव के बाद जो आपने प्रोटेस्ट कॉल किया था वो काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं एग्रेसिव हो गया, आपको उसे कॉल ऑफ भी करना पड़ा, तो एक क्लाउड नज़र आया पूरे समाज का, एक एकजुटता नज़र आई एक कॉल पे, लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स कि वो एक पॉलिटिकल पावर में कन्वर्ट होना भी इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो आपको लगता है कि आप आने वाला समय जो होगा वो शायद डिफरेंट होगा, भाजपा से भी बहुत सांसद छिटकने की कोशिश कर रहे हैं, नानाभाई पटोले ने इस्तीफा दिए कांग्रेस में चले गए, अनु मिश्रा जी ने स्टेटमेंट दिए लोकसभा के अंदर, और चंदौली सांगानेर बहुत से MLAs हैं जो पार्टी में रह के विद्रोह के स्वर उठा रहे हैं, तो कैन बी सी अ डिफरेंट काइंड ऑफ scenario in Maharashtra in the coming 2019 election where RPI as a whole can be important? एक मैं आपसे कहूँ कि जो नए समीकरण बन रहे उसका केंद्र जो है वो अम्बेडकर एक मूवमेंट केंद्र है, और दूसरा ये है उसमें कि पुराने जितनी भी संगठन हैं, लीडरशिप है, चाहे दलितों में से हो नॉन दलितों में से हो, उनके बारे में लोगों की राय बदल चुकी है, वो नए समीकरण और नए लीडरशिप की उम्मीद कर रहे हैं। एक जो है वो बात सामने आई बंद के वक्त कि अम्बेडकरी मास कभी सोशल एजेंडा डिक्टेट करने के स्थिति में अपने आप को नहीं रखता था। पहली बार जो है अम्बेडकरी मास ने दलित समूह ने और ओबीसी जो उनके साथ में आए उन्होंने बैठ के तीनों ने बैठ के एक सोशल एजेंडा महाराष्ट्र के राजनीति में डिक्टेट किया। मैं नहीं समझता हूँ कि डिक्टेट के पोजीशन में जो आया हुआ है वो अपनी पोजीशन जाने थे दूर थे, तो इसलिए ये जो है दैट विल बिकम इनटू अ पॉलिटिकल वोट कन्वर्ट होगा, ऐसे में पूरी उम्मीद करता हूँ।